नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पासपोर्ट से जुड़े सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट बनवाना हुआ बेहद ही आसान, क्योंकि भारत सरकार ने बदल दिए कुछ नियम और कानून, जिससे अब बहुत आसानी से हम अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से भारत सरकार के द्वारा पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को लगातार आसान बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। बीते कुछ महीनों में भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए, जिस वजह से वर्तमान समय में पासपोर्ट बनवाने की लंबी प्रक्रिया से लोगों को काफ़ी आज़ादी मिली। पासपोर्ट बनवाने की लंबी प्रक्रिया लोग हाल ही में संसद भवन में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पासपोर्ट बनवाने के लिए सरकार द्वारा किए गए बदलावों का मुख्य उद्देश्य है लाखों लोगों को पासपोर्ट बेहद ही आसानी से उपलब्ध हो सके, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट। भारत सरकार के पासपोर्ट नियम 1980 के अनुसार 26 जनवरी 1989 के बाद जिस किसी का भी जन्म हुआ है उन्हें अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए अनिवार्य रूप से बर्थ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देना होता था। नियमों में बदलाव के बाद नए नियमों के अनुसार आवेदक अब अपने जन्म तिथि के को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड के सभी प्रमाण पत्र जिनमें आवेदक की जन्मतिथि दर्शाई गई हो, जैसे विद्यालय परित्याग पत्र, दाखिला पत्र, मैट्रिक परीक्षा से जुड़े प्रमाण पत्र इत्यादि, या पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, LIC पॉलिसी बॉन्ड। और दूसरी बात, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष नियम। भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमाण पत्रों के रूप में सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन रिकॉर्ड जैसे प्रमाण पत्रों के उपयोग को अनुमति दी है। पासपोर्ट बनवाने में मिलेगी छूट। अब हर किसी भी 8 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक के आवेदक पासपोर्ट को बनवाने की 10% की छूट मिलेगी, सिर्फ एक अभिभावक का नाम का उपयोग। जी हाँ, पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदक को केवल एक अभिभावक का ही नाम प्रदान करना होगा। पहले जैसे होता था कि दोस्तों हरे दो बंदों का नाम लिखना पड़ता था आवेदक के नाम के साथ, लेकिन अब ऑनलाइन में एक बंदे का नाम ही ज़रूरी है। इस वजह से सिंगल पेरेंट्स वाले परिवारों को काफ़ी मदद मिलेगी इसके अंदर। अब जो नए पासपोर्ट बनेंगे वो हिंदी और इंग्लिश में जारी किए जाएंगे, अटेस्टेड करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट फॉर्म तथा सभी दस्तावेज़ों को किसी भी नोटरी या मजिस्ट्रेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगी अटेस्ट करवाने के लिए, ना ही किसी शपथ पत्र की ज़रूरत है। इससे आवेदक को यानी कि स्वयं अटेस्ट करने होंगे सारे सेल्फ अटेस्ट करने होंगे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपने। 15 पन्नों का पासपोर्ट फॉर्म अब 9 पन्नों में कर दिया गया है। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब तलाकशुदा पति या पत्नी को विवाह प्रमाण पत्र तथा पति या पत्नी को देने वाले नाम की आवश्यकता नहीं होगी। नियम दिसंबर 2016 के बाद से लागू हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।